ऐसे एक ही रात में गायब हो गया पूरा गांव। क्यों पड़ा है 170 सालों से वीरान? क्या हकीकत में भूत रहते हैं इस गांव में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रुथ नॉलेज टीवी में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा जो बहुत सालों से वीरान पड़ा है। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से 200 साल पहले, जब यह खंडर नहीं था। आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। फिर गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्रापित कर दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। परंतु अब यह गांव टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका है। घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है और ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है और बाजार के चहल पहल की आवाज आती है और महिलाओं की चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा आती रहती है। इसलिए प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक लगवा दिया है जो कि रात के समय बंद कर दिया जाता है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है, जिसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में ऐसा ही किया गया। जहां कुछ आवाज़ें आईं तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के हाथों के निशान भी दिखाई दिए। परंतु टीम के सदस्यों ने यह भी बताया कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और जवाहरात थे,
उसे जमीन में अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। इसलिए ये गांव आज भी खुदा खुदा मिलता है, आज भी यह गांव वीरान है। पर विज्ञान की नज़र से देखें तो लोग श्राप के कारण इस गांव में रहने नहीं जाते होंगे और ये गांव कभी आबाद नहीं हो सका, क्योंकि लोगों की सोच ही यही है कि अगर वो इस गांव में गए तो वो खुद श्रापित हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भविष्य में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।